गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड स्टडी चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम शुड हैव, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव के बारे में बताने जा रहे हैं कि शुड हैव, मे हैव, माइट हैव का सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो आपको एक चीज़ जानना है कि शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, मे हैव यदि रहे तो वर्ब का तीसरा रूप हमेशा आता है। जैसे शुड हैव वर्ब का तीसरा रूप, मे हैव वर्ब का तीसरा रूप, माइट हैव वर्ब का तीसरा रूप और मस्ट हैव वर्ब का तीसरा रूप। यदि सिंगल में शुड, मे, माइट, मस्ट रहे तो वर्ब का पहला रूप लगता है, लेकिन यदि शुड, मे, माइट और मस्ट के साथ हैव लगे तो वर्ब का तीसरा रूप लगता है। तो शुड हैव का उपयोग करते हैं हिंदी में चाहिए था के अर्थ में, किसी को एहसास दिलाने के अर्थ में या फिर सजेशन देने के अर्थ में। मे हैव का यूज करते हैं शायद, यानी कि या होगा, यी होगी, ये होंगे के अर्थ में। और माइट हैव का यूज करते हैं शायद ही, मतलब कोई भी काम नहीं हो सकता है, नेगेटिविटी दर्शाने के लिए, जैसे या होगा, यी होगी, ये होंगे सेंटेंस में रहता है। इस तरह से मस्ट हैव प्लस वर्ब थ्री का उपयोग करते हैं जरूर, कोई भी चीज़ आवश्यक या फिर जरूर हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, या होगा, ये होंगे या फिर यी होगी सेंटेंस के अंत में होता है। तो इन सभी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है शुड हैव, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यू शुड हैव डन दिस वर्क, इसका हिंदी होता है तुम्हें इस काम को करना चाहिए था। यू शुड हैव डन दिस वर्क, तुम्हें इस काम को करना चाहिए था, किसी को एहसास दिला रहे हैं या फिर किसी को सजेशन दे रहे हैं। इस तरह से यू शुड नॉट हैव डन दिस वर्क, तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए था। इस तरह से यू शुड नॉट हैव ब्रोकन टीवी, तुम्हें टीवी को नहीं तोड़ना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव बीटन रोहित, हमें रोहित को नहीं पीटना चाहिए था। ये सभी एहसास दिला रहे हैं। इस तरह से ही मे हैव कम टूडे, ही मे हैव कम टूडे, मतलब वह शायद आज आएगा या फिर शायद वह शायद आया होगा के अर्थ में। शायद के अर्थ में मे हैव का यूज करते हैं और वर्ब हमेशा तीसरा रूप हो रहा है वर्ब का, जैसे कम हो गया, ब्रोकन हो गया, बिटन हो गया, डन हो गया। इस तरह से इट मे हैव रेंड टूडे, आज बारिश होगी या फिर आज शायद बारिश होगी। इस तरह से इट माइट हैव रेंड टूडे, आज शायद ही बारिश होगी, यानी कि बारिश होने की संभावना कम है। माइट हैव रेन टूडे, रेन वर्ब का तीसरा रूप है क्योंकि माइट हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगा है। इस तरह से ही माइट हैव कम टूडे, वह शायद ही आज आएगा या फिर शायद ही आया होगा। इस तरह से हम यूज करते हैं मे हैव, माइट हैव का। अब हम आगे देखते हैं, दे माइट नॉट हैव गॉन देयर, वे शायद ही वहां गए होंगे। He may have celebrated होली, वह शायद होली मनाया होगा। May have celebrated होली, He might have celebrated होली, वह शायद ही होली मनाया होगा। इस तरह से He must have celebrated होली, वह होली जरूर मनाया होगा। ये तीनों डिफरेंस क्या है, may have मतलब शायद है, यानी होली मनाने की संभावना है। He might have celebrated होली का मतलब वह होली शायद ही मनाया होगा, यानी कि नहीं मनाया होगा। और He must have celebrated होली, इसका मतलब वह होली जरूर मनाया होगा। ही मस्ट हैव गॉन देयर, इसका हिंदी क्या था, वह वहां गया होगा या फिर वह वहां जरूर गया होगा। ही मस्ट हैव डन एक्सरसाइज, वह व्यायाम जरूर किया होगा या फिर व्यायाम किया होगा। यू मस्ट हैव डन मिस्टेक, तुमने गलती किया होगा या फिर तुमने गलती जरूर किया होगा। ही मस्ट हैव गॉन देयर, वह वहां जरूर गया होगा। इस तरह से मस्ट हैव के साथ क्या लगा, गॉन, और गॉन क्या है, वर्ब का तीसरा रूप। इस तरह सिंपल रूप में क्या लिखते हैं, ही मस्ट गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए। यदि सिंपल, यदि मस्ट रहे, इसके साथ हैव नहीं रहे, तो वर्ब का पहला रूप लगता है। इस तरह से हम देखें कि सेंटेंस में यदि आपका शुड हैव का यूज हो तो इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप, इस तरह से आपका मस्ट हैव का यूज हो तो वर्ब का तीसरा रूप, इस तरह से आपका मे हैव का यूज हो तो वर्ब का तीसरा रूप, इसी तरह से आपका माइट हैव, MIGHT, माइट हैव का यूज हो तो वर्ब का तीसरा रूप लगता है।
और इसी तरीका से हम सिंपल सेंटेंस में देखते हैं, यदि सिर्फ मे रहे तो इसके भार का पहला रूप, माइट रहे तो भार का पहला रूप, यदि मस्ट रहे तो भार का पहला रूप, इस तरह से SULD शूट रहे जिसको मॉडल भार बोलते हैं तो इसमें बारह रूप, लेकिन इन सभी मॉडल के साथ यदि हैव लग गया तो भार का तीसरा रूप लगता है। इस तरह से आज हम लोग पढ़ें शुड हैव, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव, और हमें आशा है कि आप लोग को समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन गुड स्टडी।